एक सवाल था, किसी चीज़ को जानने में और उस चीज़ को रियलाइज़ करने में क्या अंतर होता है? अब हम कई बार कुछ श्लोक्स पढ़ लेते हैं, बट उसे हम जान तो लेते हैं पर उसे हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं ये भ्रमित हो जाते हैं कि हम इस चीज़ को, ये चीज़ हमें पता है, बट इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन जानने में और रियलाइजेशन में? अंतर तो कुछ नहीं है, पर अंतर हम बना लेते हैं। जानना, समझना, बोध करना, बात तो एक ही है। अंतर हम बना लेते हैं, अंतर हम ऐसे बना लेते हैं कि हम वास्तव में जाने बिना भी कह देते हैं कि जान लिया। किसी से सुन लिया तो जान लिया, किसी वस्तु किसी विषय के बारे में पुराना ज्ञान है तो कह देते हैं जान लिया। सच्चाई से जानना तात्कालिक होता है, उसी समय होता है। जान लिया अहम का वक्तव्य है, वो जानने के दरवाजे बंद कर देता है। कहता है जान लिया, मैं जानता हूं। जिसको तुम नॉलेज कहते हो, वो बहुत जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेने का नाम है, इस घोषणा के साथ कि मैंने लिया, आई नो, आई हैव नॉलेज। और जिसको रियलाइजेशन कहते हो, वो वास्तव में एक सतत प्रक्रिया है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। तुम कभी नहीं कहते कि मैंने जान लिया, इसीलिए तुम सदा उपलब्ध रहते हो जानने के लिए। उसमें भी जीवन है, उसमें ताजगी है, उसमें ध्यान है, उसमें निकटता है।